हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी रिलेटेड टू ग्राफ। आज हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे, तो उससे पहले जो हमने पिछली बार टर्मिनोलॉजीज देखी थी उसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कुछ ग्राफ्स से। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ इधर। लेट्स से एक मेरा ग्राफ ये है, हम डिफरेंस समझेंगे इन दोनों में ग्राफ में, और एक लेट्स से मेरा ये है, ठीक है, समझना, ध्यान से देखना बच्चों। लेट्स से दीज आर टू माय ग्राफ और मैं इसको स्केल कर देता हूं। लेट्स से दिस डाटा इज लेट्स से वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री, और सिमिलरली ये वन हो गया और ये हमारा टू हो गया, और लेट्स से ये हमारा टू है और इसको मैं थ्री मान लेता हूं। अब देखते हैं इन दोनों ग्राफ में जो भी हमने निकाले थे डोमेन रेंज वगैरह, वो सारे जो भी हमने सारे पॉइंट्स देखे थे, सात आठ पॉइंट, वो हम इसके लिख लेते हैं। प्लस हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ। आप देखना, जैसे पहले वाले फंक्शन पे आते हैं हम, पहले ग्राफ के लिए पहले हम सबसे पहले देखते हैं डोमेन। तो डोमेन मैंने क्या बोला था, डोमेन इज व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं इस फंक्शन में। तो प्रोजेक्शन क्या जाएगा, इसका प्रोजेक्शन क्या है, जीरो क्लोज से वन क्लोज, तो डोमेन हो जाएगा हमारा जीरो क्लोज से वन क्लोज। फिर आते हैं रेंज पे। अच्छा, अब देखना हमारा रेंज क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, दैट इज टू क्लोज से थ्री क्लोज, तो ये हो जाएगा टू क्लोज से थ्री क्लोज। फिर इसको मैं एफ बोल रहा हूं फंक्शन को, तो एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेंज के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, टू, तो एफ मिनिमम इज टू। एफ मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम वैल्यू रेंज के अंदर कितनी है, थ्री, सो दिस विल बी थ्री। अच्छा, अब आते हैं हम रूट पे। तो रूट मतलब क्या बोला था मैंने, ग्राफिकली क्या बोला था कि ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो ग्राफ तो इतना सही है, ये एक्स एक्सिस को तो कहीं कट कर नहीं रहा, हेंस नो रूट, एन ओ नो रूट। अच्छा, उसके बाद हमारा देख लेते बाउंडेड। तो पहले लोअर बाउंड है क्या, हाँ है लोअर बाउंड है। अपर बाउंड है क्या, हाँ अपर बाउंड भी है, तो लोअर बाउंड है अपर बाउंड है, तो इसका मतलब अवर ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड, तो बाउंडेड फंक्शन बाउंडेड। अच्छा, लोअर बाउंड के अंदर भी वैल्यू देख सकते हैं हम, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, टू, अपर बाउंड की, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, थ्री, एंड टू इज टेकन बाय द फंक्शन, थ्री इज ऑल्सो टेकन बाय द फंक्शन क्योंकि क्लोज सर्कल है। अच्छा, इसके बाद पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक नहीं है, बाउंडेड है, पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये रिपीट तो कर नहीं रहा है ग्राफ। अब सुनना, अब मैं यही चीज सब इसी के लिए लिख लेता हूं। अब ध्यान से देखना इन दोनों ग्राफ में अंतर क्या है। बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है ना, हमारा ग्राफ जीरो से लेके वन तक ही दिया, लेट्स से जीरो डाल देता हूं पहले, जीरो से वन तक दे रखा है और एफ ऑफ वन पे वैल्यू हमारी थ्री है। इधर भी हमारा, अब इधर क्या हो रहा है ना कि जो ग्राफ है वो लग तो रहा है कि इसी टाइप का दिख रहा है, बट एक्चुअली इधर डेड डैश लाइन है। डेड डैश लाइन मतलब क्या है, बेसिकली ये जो डेड डैश लाइन है, दिस इज एसिम्प्टोट। तो इस क्लास में क्या होगा ना, इस क्लास में ऑल दो एग्जामिनर ने क्या बनाया, जैसे बोर्ड में क्या, मतलब जो एग्जामिनर का देने का मकसद क्या है कि वो हम लोग को समझना चाहिए कि ये एसिम्प्टोट है, तो ये जो कर्व है वो इसको टच नहीं कर रहा है, ये कर्व उसने यहां तक बनाया, इसका मतलब ये यहां तक नहीं है, आगे तक जा रहा है, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज एक्चुअली दिस कंप्लीट। समझ में आया दोनों में डिफरेंस, अगर डेड डैश लाइन में नहीं बनाता इधर, ये सपोर्टिंग कर्व नहीं बनाता, तो मतलब ग्राफ यहीं खत्म हो गया। अगर मैंने डेड डैश लाइन बनाई, ऑल्दो मैंने यहां तक छोड़ दिया था, ऑल्दो मैंने इस पॉइंट तक छोड़ दिया था, बट अगर मैंने नहीं भी ड्रॉ किया तो इट इज अंडरस्टूड कि वो इनफिनिट जो वो ग्राफ है वो x = 1 को अप्रोच कर रहा है, x = 1 लाइन को। तो समझ में आया दोनों डिफरेंस में। तो अब इसके लिए मैं डोमेन लिखता हूं, तो डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो क्लोज से इधर डिफरेंस क्या जाएगा, वन पे ओपन आएगा, क्योंकि वन पे वो ग्राफ कभी टच करेगा नहीं एक्स इज इक्वल टू वन को, वो हमें से अप्रोच करता रहेगा इंडेफिनेटली, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो रेंज इस केस में क्या जाएगा, टू क्लोज से इंफिनिटी, ऊपर तक जा रहा है पूरा ग्राफ, ठीक है ना। अगेन मैं स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये जो मैंने अभी एट प्रेजेंट जो ग्राफ बना हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ग्राफ जो मैंने अभी रब करके बनाया, ठीक है ना, ये दोनों ग्राफ अलग अलग है। दिस डेड डैश लाइन मीन्स कि दिस इज एसिम्प्टोट, तो ये हम इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे, ये जो कर्व है इसका मतलब इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। चलो, इसके बाद एफ मिनिमम दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, टू है, इस सेट के अंदर मिनिमम वैल्यू रेंज के अंदर। एफ मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट,
क्योंकि एफ मैक्स ऑफ इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट. फिर रूट है क्या कोई? नो रूट, नो रूट. अच्छा उसका लोअर बाउंड है क्या? लोअर बाउंड है क्या? हाँ, टू इज द लोअर बाउंड. और उस लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? टू. अपर बाउंड है क्या? नहीं है, तो अपर बाउंड की वैल्यू बात ही नहीं करेंगे. अगर दोनों में से अपर या लोअर बाउंड में से कोई भी एक अनबाउंड हुआ तो ओवरऑल फंक्शन इज अनबाउंडेड. तो इधर क्या आ जाएगा हमारा? अनबाउंडेड. अच्छा लास्टली पीरियोडिक है क्या? नहीं, पीरियोडिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक में क्या होता है, ग्राफ रिपीट करता है कुछ टाइम इंटरवल में, बट ये तो इतना ही ग्राफ दिया है. ठीक है, सो ये दोनों पॉइंट हो गए हमने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड. अच्छा इसी के हम एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं. तो बेटर क्या होगा, तुम लोग इसको रब करो, ठीक है ना, पॉज कर, कॉपी करके इसको कॉपी कर लो. आई विल रब दिस बुक. अब सुनना, अब एक मैंने ऐसे ले लिया, अब मैं एक और इसी टाइप का ग्राफ ले रहा हूँ, देखना ध्यान से, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. उनमें भी हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं एक बार. तो जस्ट लुक एट हियर, एक तो मैंने अब ऐसा लिया, लेट्स से टू है, ये जीरो है, ये वन है, ये लेट्स से थ्री है. इसी स्केल को मैं ले रहा हूं, अब देखना डिफरेंस मैं क्या लेने वाला हूं. मैंने ऐसे किया और इधर ये सपोर्टिंग कर्व दे दिया, दैट इज एसिम्प्टोट. ऑल्दो इधर मैंने वैल्यू दिया है टू, इधर दिया है थ्री, इधर वन. ठीक है, सो दिस इज जीरो ओरिजिन. ठीक है, अब ध्यान से देखना अगेन, ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है? जो y is equal to 3 है वो इधर asymptote है, मतलब ग्राफ यहीं कंप्लीट नहीं हुआ है. ऑल्दो वो लग रहा है कि यहाँ खत्म हो गया, बट एक्चुअली द ग्राफ इज, देखना मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, एक्चुअली द ग्राफ इज ऐसा जाएगा. ये डेड डैश जो लाइन है ना, इसको कभी टच कर नहीं पाएगा, हमेशा इसको अप्रोच करता रहेगा. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ. तो मैं जैसे रूट लिख लेता हूँ, सॉरी डोमेन पहले लिखते हैं हम. डोमेन क्या होगा दोनों में देख लेते हैं. तो डोमेन क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. तो इधर क्या आएगा? जीरो क्लोज से, जीरो क्लोज से. चलो एक काम करते हैं, इसको अपन ओपन कर देते हैं. ठीक है ना, थोड़ा सा पिछले बार से थोड़ा सा अलग हो जाएगा हमारा. तो डोमेन क्या हो जाएगा? जीरो क्लोज से टू ओपन. रेंज, चलो रेंज लिखते हैं हम. रेंज क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे कितना का पार्ट कवर कर रखा है? इतना पार्ट जो मैंने शेड किया है. तो ये कितना होगा? वन क्लोज से थ्री ओपन. याद रखो थ्री ओपन है, क्यों? क्योंकि इधर ओपन है. ठीक है, अच्छा उसके बाद रूट है क्या कोई? नहीं, बिल्कुल रूट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कहीं एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है. उसके बाद अब आते हैं हम एफ मिनिमम. तो मिनिमम वैल्यू कितनी है? रेंज के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? वन. तो एफ मिनिमम इज वन. एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारा? सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है इस सेट के अंदर? नॉट एग्जिस्ट. थ्री नहीं बोलना है, ठीक है ना, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा है इस सेट के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट. हाँ, अगर सबसे बड़ा इंटीजर बोले तो इधर टू आएगा. ठीक है ना, अगर इंटीजर बोला तो टू आएगा, बट सबसे बड़ा नंबर इस सेट के अंदर दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा उसके बाद हम देखते हैं लोअर बाउंड है क्या. हाँ लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? वन. अपर बाउंड है क्या? हाँ अपर बाउंड भी है, अपर बाउंड की वैल्यू, अपर बाउंड है और अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है? थ्री. बट इस केस में क्या होगा ना, लोअर अपर बाउंड तो है, बट अपर बाउंड जो वैल्यू है थ्री, दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन. ठीक है ना, डिफरेंस है, देखो सुनना, अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन. ऑल्दो हम बोलेंगे क्या, अपर बाउंड है एंड अपर बाउंड की वैल्यू थ्री है. ठीक है ना, चलो ये मैंने पिछली बार भी बताया था तुमको, थोड़ा स्ट्रेस दिया था इस पॉइंट पे, क्योंकि बच्चे लोग क्या बोलते हैं जनरली, क्या गड़बड़ कर देते हैं, अपर बाउंड को वो कैसे डिफाइन कर देते हैं? रेंज का हाइएस्ट एलिमेंट. बट रेंज में तो हाइएस्ट एलिमेंट दैट इज एफ मैक्स डज नॉट एग्जिस्ट है, तो लोअर बाउंड, अपर बाउंड इसका मतलब होना नहीं चाहिए, बट अपर बाउंड है और थ्री है अपर बाउंड. ऑल्दो द अपर बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, फंक्शन ने वो लिया नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमारा, अब दोनों बाउंड, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों है, इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड. ठीक है, पीरियोडिक है क्या? बाउंडेड हो गया. पीरियोडिक है क्या? पीरियोडिक है क्या? नहीं, बिल्कुल पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक है, चलो अब इसी के बाद अब हम इस ग्राफ के लिए लिख लेते हैं. तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, और बेटर क्या रहेगा, एक बार तुम खुद से लिखो. ठीक है ना, जो भी मैं ग्राफ बता रहा हूँ, जो भी हम सात आठ चीज पढ़े हैं, वो सारी तुम हर एक ग्राफ के लिए लिखो. ठीक है, एक आध और लिख लूंगा मैं एग्जाम्पल के तौर पर. तो डोमेन क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. तो देख रहा है, इस पूरे ग्राफ का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? जीरो क्लोज से इन्फिनिटी. तो ये हो जाएगा जीरो क्लोज से इन्फिनिटी. अच्छा ये अपना रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा वन क्लोज से थ्री पे ओपन ही रहेगा. ठीक है ना, देखो इधर भी थ्री पे ओपन है, इधर भी थ्री ओपन है, तो रेंज और डोमेन सेम होगा. इसका मतलब ये नहीं बोलूंगा दोनों ग्राफ सेम है. देखो दोनों ग्राफ डिफरेंट है, ठीक है, दोनों का रेंज और डोमेन सेम आ गया. अच्छा सॉरी, डोमेन तो सेम नहीं है, रेंज सेम आया, डोमेन तो फिर भी अलग है. ठीक है ना, चलो अब रूट
नहीं बिल्कुल रूट नहीं है क्योंकि ये कहीं एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। फिर एफ मिनिमम, हाँ एफ मिनिमम 1 है, एफ मैक्सिमम कितना है, एफ मैक्सिमम कितना होगा, 3 पे ओपन है ना, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट डी एनी। उसका लोअर बाउंड है क्या, हाँ है, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 1। अपर बाउंड है क्या, अपर बाउंड है, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है, अपर बाउंड भी है और उसकी वैल्यू भी 3 है, बट 3 इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, अगेन सेम थिंग, ठीक है। अच्छा तो ओवरऑल दोनों बाउंड, लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी, इसका मतलब ओवरऑल द फंक्शन इज बाउंडेड, ओवरऑल द फंक्शन इज बाउंडेड। उसका पीरियोडिक है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, समझ में आया। चलो अब एक आध और देख लेते हैं, इसी के साइड में लिख लेते हैं, देखना। अब मैं ले रहा हूं एक और ग्राफ, अब एक जाना पहचाना ग्राफ ले लेते हैं जो तुम्हें अभी आगे चल के सीखोगे जब इनवर्स पढ़ेंगे, अभी से इसलिए ले लूंगा थोड़ा याद हो जाएगा तुम लोगों को। तो वो ग्राफ एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है ना, दिस इज ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन दैट इज टेन इनवर्स एक्स, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है। तुम लोग क्या करो, ये सारे पैरामीटर इसके लिए लिखो, ठीक है, क्या करोगे, ये सारे पैरामीटर इसके लिए लिखना। तो मैं इधर लिख रहा हूं, अच्छा ये इसका पूरा स्केल दे देता हूँ क्या क्या होता है ये, दिस इज माइनस पाई बाय टू, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसके आधार पर मैं ये सब चीज लिख लेता हूँ। तो पहली चीज, डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या होगा, प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो वो क्या है, पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो डोमेन इज आर। अच्छा उसके बाद रेंज, रेंज क्या होता है हमारा, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो दिख रहा है, अब ये देखो ये जो वाई इज इक्वल टू प्लस पाई बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू है, दे आर बेसिकली एसिम्प्टोट्स, तो उनको ग्राफ टच तो नहीं करेगा, क्या हो रहा होगा एक्स, एक्चुअली क्या हो रहा है ये देखना, ये डेड डैश लाइन तो हमारी एसिम्प्टोट है, तो हमेशा ग्राफ इसको अप्रोच करेगा, करता जाएगा इन्फिनिटी तक, कभी टच नहीं कर पाएगा। सिमिलरली इधर भी अप्रोच करता जाएगा कभी टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब मैं रेंज क्या बोलूंगा, रेंज इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट बोथ आर ओपन, क्योंकि कभी माइनस पाई बाय टू को टच करेगा नहीं, सिमिलरली इट विल नेवर टेक पाई बाय टू, पाई बाय टू के जस्ट नजदीक तक जाके पहुंचेगा, ऐसा क्रूडली बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ग्राफ एसिम्प्टोट को इन्फिनिटी पे जाके टच करता है, ठीक है ना, और इन्फिनिटी नाम की कोई चीज होती नहीं, इसलिए वी आर नॉट सेइंग दैट थिंग, इसलिए हम बोलते हैं वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस पाई बाय टू ओपन से पाई बाय टू ओपन, ठीक है, दिस इज वॉट रेंज ऑफ दिस ग्राफ। को रूट है क्या, ध्यान से देखो रूट है क्या, हाँ रूट है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट का कर रहा है जीरो पे, तो रूट क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू जीरो इज रूट, ठीक है ना, अभी तक रूट वाला एग्जांपल नहीं लिया था, ये हो गया रूट वाला एग्जांपल। मिनिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम, तो सिंपल क्या करना है तुम्हें, तो जो रेंज लिखा है ना उसी के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, तो इधर दोनों में ओपन लिखा है, तो दोनों क्या होंगे, एफ मिनिमम और एक्स मैक्सिमम दोनों डज नॉट एग्जिस्ट। अब आते हैं लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड है क्या, हाँ लोअर बाउंड है ना, एक्स इज इक्वल टू सॉरी वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू, तो लोअर बाउंड है, बिल्कुल है, और उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस पाई बाय टू। सिमिलरली अपर बाउंड है क्या, हाँ अपर बाउंड भी है, क्योंकि उसके नीचे सारा ग्राफ आ रहा है, और अपर बाउंड है, उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस पाई बाय टू, तो ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड, तो ये हो जाएगा हमारा बाउंडेड। और लास्टली पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक नहीं है, ये रिपीट थोड़ी कर रहा है, ये तो एक बार ग्राफ बन गया पूरा, ठीक है, क्लियर है बच्चों, चलो इसको कॉपी कर लो। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी ग्राफ को थोड़ा टिल्ट कर देता हूँ, उसके लिए हम ये सारे पैरामीटर्स लिखते हैं, तो बिफोर दैट जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, देख रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इतने पार्ट को रब कर देता हूँ, ये सारे पैरामीटर्स मैं उस ग्राफ के लिए भी लिखूंगा। एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड फंक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है ना, सो दैट हमें ग्राफ भी याद हो जाएगा, और इसी टाइप का रहेगा, दैट इज टेन एक्स। तो तुम लोगों में तो बहुतों को पता भी होगा, क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में टेन टेन एक्स का ग्राफ, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, द ग्राफ इज थोड़ा हमारा, देखना ध्यान से बच्चों ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टेन एक्स। अभी हम दोबारा बनाएंगे एक साथ, जब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे तब भी मैं उधर ड्रॉ करूंगा, बट अभी जो भी पढ़ा उसके हिसाब से हम इसके डाटा लिख लेते हैं। दिस इज ग्राफ ऑफ टेन एक्स, तो लिख लो इधर y इज इक्वल टू tan of x।
ये होता है x इज इक्वल टू जीरो है, ये हमारा पाई बाय टू है, ये पाई है, फिर ये थ्री पाई बाय टू और ये माइनस पाई बाय टू, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ टेन एक्स जो कि मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, और अभी एक साथ जब हम सारे पढ़ेंगे ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के जो भी छह ग्राफ होते हैं हमारे स्टैंडर्ड साइन कॉस कॉट टेन कॉट कॉस एक्स एक्स, जब एक बार और लिखेंगे हम इसको, ठीक है। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये सारे डाटा तुम इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से लिखो एक बार, ठीक है। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो डोमेन क्या होगा, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन होना एक्स एक्सिस। तो अब देखो, अब देखो एक तो ग्राफिकली बता सकते हो, और एक मुझे वैसे भी पता है कि tan x कब डिफाइन नहीं होता। जैसे tan x क्या होता है, जब मैं tan x को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, tan x = sin x / cos x। तो ये डिफाइन कब हो, कब नहीं होगा, जब cos x 0, और cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो इन सब x को छोड़ के मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस, सुनना ध्यान से, r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को कैसे लिखूंगा मैथमेटिकली, 2n plus 1 into पाई बाय 2, n belongs to integer। This is the way I should write the domain properly. You should write this also. Because n पता नहीं ना, मैंने लिख दिया n integer है, तब ये एक 2n plus 1 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2n plus 1 into पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। वो हटा दिया मैंने r में से, उन x को छोड़ के बाकी सब जगह ये डिफाइन होगा या उसका डोमेन होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं रेंज वाले पार्ट पे। तो रेंज तो दिख रहा है क्लियरली, बहुत आसान है, सिंपली y एक्सिस, जब मैं y एक्सिस से प्रोजेक्शन लूंगा इस ग्राफ का तो पूरी y एक्सिस कवर हो जाएगी, हेंस द रेंज इज r, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलो अब आते हैं रूट पे। हाँ, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। रूट मैंने क्या डिफाइन किया था, जब ग्राफ मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद x एक्सिस। तो ये ग्राफ है, इसने x एक्सिस को कट का किया, यहां कट किया, तो दिस इज द रूट। सिमिलरली अब मैं रुकूंगा नहीं, फर्दर देखूंगा और भी जगह कट कर रहा है कि नहीं। तो ये ग्राफ है, इसने x एक्सिस को कट का किया यहाँ पे पाई पे, तो जीरो पाई, इधर आएगा माइनस पाई, फिर टू पाई। तो यू कैन सी पाई के मल्टीपल, इवन सॉरी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल पे हमारे क्या हो रहा है, जो फंक्शन हो रहा है वो कट कर रहा है x एक्सिस को ग्राफ। तो क्या बोलूंगा मैं, एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीग्रल। अच्छा जैसे मेरे को ऐसे पूछ लिया इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, तो इनफाइनाइट, एन की इन्फिनिटी, हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, उतने रूट्स हैं इसके। बट क्या है, एन इंटू पाई, जैसे एन की वन वन रखा तो पाई, टू रखा टू पाई, थ्री रखा थ्री पाई, ऑल आर द रूट्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक। तो रूट्स इज एन पाई, वेयर एन इज माई इंटीजर, पॉजिटिव डालो चाहे नेगेटिव इंटीजर डालो। फिर आते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम है क्या, तो ये तो दिख रहा है रेंज इज आर, मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है क्या, कुछ नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है क्या, वो भी नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है। फिर क्या ये लोअर बाउंड है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अपर बाउंड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल फंक्शन विल बी अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है। लास्टली अब ये अपन ने, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, तो ये भी हमारा यूज हो जाएगा, पीरियोडिक। नाउ इज इट पीरियोडिक, हाँ ये पीरियोडिक है, क्यों, क्योंकि ये अगर मान लो मुझे, मैंने क्या बोला था पीरियोडिक मतलब क्या बोला था, कि ग्राफ रिपीट करता है एक फिक्स इंटरवल के बाद, या फिर मैंने ऐसे बोला था कि मुझे मिनिमम एक इतना पार्ट मिल जाए ग्राफ का कि मैं उसको बार बार शिफ्ट कर दूं, सो दैट मुझे एंटायर ग्राफ मिल जाए। मतलब तो दिख रहा है कि अगर मान लो मुझे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब मैं इसी में शेड कर देता हूँ, आई विल यूज डिफरेंट कलर, जस्ट लुक एट हियर। मैंने बोला कि ये वाला जो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ डार्क, इतना ब्रांच, इतना पार्ट मुझे मिल जाए, तो आई विल बी एबल टू ड्रॉ द एंटायर ग्राफ। क्या करूंगा मैं, इसी को पाई से शिफ्ट कर दूंगा दोनों साइड, फिर जो दो ब्रांच आएंगे उनको फिर पाई से शिफ्ट कर दूंगा, एंड सो ऑन, तो मुझे एंटायर ग्राफ मिल जाएगा। हेंस दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। और फिर मैंने बोला था पीरियड क्या होता है, मिनिमम लेंथ जिससे ये रिपीट कर रहा है, या फिर मिनिमम लेंथ जितना मुझे मिल जाए, सो दैट आई विल बी एबल टू ड्रॉ द कंप्लीट ग्राफ। तो वो कितना है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, दैट इज लेंथ कितना हो गया पाई। तो हमारा फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई, इधर लिख लो फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है ना, तो समझ में आया होगा, हमने जो भी लास्ट क्लास में सीखा था उसी के बेसिस पे अभी हमने ग्राफ ड्रॉ किए। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो, अब हम कुछ नए ग्राफ सीखेंगे, और उन ग्राफ में भी हम ये सारे डिटेल्स तो लिखेंगे, हम ये डिटेल्स कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम अभी ग्राफ तक एंड नहीं आता हमारा, अभी एक दो लेक्चर और लगेंगे, दो तीन लेक्चर जितने भी लगेंगे उन सब में हम ये सब देखेंगे, दोबारा लिखेंगे, ठीक है, हर बार लिखेंगे ये सारी डिटेल्स उन सभी ग्राफ्स के लिए, सो दैट दिमाग में हमारे अच्छे से बैठ जाएंगे। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और कॉपी करो, इसके बाद हम देखते हैं कुछ नए ग्राफ। हाँ, तो अब हम देखते हैं कुछ अलग फंक्शंस। तो पहला है इसमें एक्सपोनेंशियल,
एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये भी तुम लोगों ने, हालांकि अभी तक काफी बार हम इसका ग्राफ यूज कर चुके हैं ड्यूरिंग अवर डिस्कशन ऑन 11th टॉपिक्स, तो अभी हम देख लेते हैं इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है। हमारा मतलब है a रेज टू पावर x, वेयर a इज व्हाट, a क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी एंड a नॉट इक्वल टू 1। हम a को कभी 1 नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर 1 लिया तो 1 रेज टू पावर x वो 1 हो जाएगा, वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, और a ग्रेटर देन 0 मतलब बेस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए वी आर नॉट डिफाइनिंग। ठीक है, अब इसमें हमारे दो केस बनते हैं, एक बनता है केस 1, देखना ध्यान से बच्चों, एक बनता है a की पावर ग्रेटर देन 1 और एक बनता है केस 2 is less than 1। ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, तो इसको मैं पूरा लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं a is less than 1 greater than 0। बेस अगर हमारा जो है 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, हमारा ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग नेचर का होगा, मतलब निरंतर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा x वो जो फंक्शन रहेगा वो बढ़ेगा। दिस इज ऐसे लिखा है, दिस इज f of x y is equal to, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो एक्चुअली ऐसा आता है। ठीक है, अच्छा अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा ही क्यों आया, तो देखो अभी हमारे पास उतने टूल्स है नहीं, अभी हमने है नहीं, इसका मतलब हम आगे जाके धीरे धीरे सीखेंगे, बट जितना मैं सिखा सकूंगा अभी उतना मैं आइडिया दे दूंगा तुम लोगों को, जितना तुम लोगों को अभी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से कि ग्राफ ऐसा ही क्यों बना। जैसे बहुतों का क्वेश्चन होगा कि सर आपने ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ठीक है ना, बहुतों का क्वेश्चन होगा, ठीक है सर ये भी जीरो पे इधर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, बट व्हाई नॉट दिस, व्हाई दिस, तो ये सब चीजें हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है ना, जब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव, एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर आएगा एट द एंड ऑफ, मतलब जो हमारा पूरा कैलकुलस का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट इंटीग्रल पार्ट, तब हम सीखेंगे, एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें हम एक चैप्टर और सीखेंगे कर्व ट्रेसिंग, उस वक्त हम और ग्राफ को डिटेल्स में सीखेंगे। अभी हमें क्या चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ग्राफ का कि उसका नेचर कैसा है, कहाँ मतलब कहाँ ये अपना इंक्रीजिंग टाइप का है, कहाँ उसका रूट आ रहा है, उसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए। बाकी और ज्यादा डिटेल एनालिसिस हम सीखेंगे कर्व स्केचिंग में, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए मान ली हमने ये ब्लैक वाला है वो हमारा एक्चुअल ग्राफ है, बाकी मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी चलो दे देता हूँ कि ये क्यों नहीं है, जिसको समझ में अच्छी बात है नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो एक्सप्लेनेशन देखना कि अब जैसे a is some constant, a greater than 1, तो मैंने मान लिया let a is equal to 2 के लिए, तो this is graph for y is equal to 2 की power x, ठीक है, अब देखना, अच्छा उससे ही बेटर क्या करता हूं मैं, a को e ले लेता हूं, तो और तुम्हें अच्छा समझ में आएगा क्योंकि तुम्हें डेरिवेशन वगैरह पता है e power x के, उसकी मदद से मैं बताऊंगा why the graph is blue one not the black one, ये मेरा ग्राफ है ये नहीं है, देखना कैसे, अब देखना y is equal to e की power x है, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो y डैश आया मेरा, अगेन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, ठीक है ना, तुम लोगों ने बेसिक फिजिक्स में ही पढ़ा होगा इतना डेरिवेटिव, तो अच्छा अब देखो इस डेरिवेटिव का अगर मैं वैल्यू निकालूं इन्फिनिटी पे तो क्या आएगा, e की पावर इन्फिनिटी विच इज इन्फिनिटी, तो अब खुद सोचो, ये मैं बोल रहा हूँ y डैश एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस कितना है इन्फिनिटी, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, इसका मतलब अगर मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर स्लोप इनफिनाइट हो रहा है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके, तो क्या होना चाहिए, नेचर शुड बी दिस और इट शुड बी दिस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि हमारा जो टेंजेंट है इट शुड बिकम वर्टिकल, क्योंकि जब तो 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होता है, बट इधर तो क्या होगा 10, और जो हमारा जैसे हम दोनों ग्राफ में मैं टेंजेंट बनाऊंगा, तो देखो इस वाले में क्या ग्राफ टेंजेंट बनेगा, ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल टाइप, इसमें जो टेंजेंट बनेगा वो वर्टिकल टाइप बनेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा एक्सिस के साथ 0 डिग्री, तो इसका स्लोप हो जाएगा 10 0 व्हिच इज 0, और इस वाले में क्या हो जाएगा 10 ऑफ पाई बाय 2 व्हिच इज इन्फिनिटी, तो दिख रहा है, समझ में आया, तो ग्राफ का नेचर क्या होना चाहिए, इसका मतलब जो ग्राफ है हमारा वो इन्फिनिटी पे जाके वर्टिकल हो जाना चाहिए, या फिर बोल सकते हैं उसका रेट चेंज है वो इनफाइनाइट हो जाना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, रेट चेंज डीटी टाइम इंटरवल, मतलब वो वाई कितना ज्यादा बढ़ रहा है, एक्चुअली डेरिवेटिव क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा एक्स इन दिस केस बिकॉज एक्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो एक्स के माइन्यूट चेंज में हमारा डेल्टा क्या होगा इनफाइनाइट, बहुत लंबा चेंज करेगा, इसका मतलब जो जो नेचर होगा कर्व का दैट विल बी वर्टिकल, ठीक है, अच्छा तो इसलिए मेरा इधर ब्लू वाला आएगा, इसी तरीके से हम नीचे वाले का भी ले सकते हैं, तो देखो नीचे वाले का एक्सप्लेनेशन कैसे देखना, इस वाले केस में तो क्या हो रहा है ये, और इस केस में ऐसे हो रहा है,
अब देखना, मैंने इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। अब मैंने बोला अगेन डेरिवेटिव पे आते हैं, y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, तो अब देखो इसका स्लोप जीरो। अब मेरे को माइनस इंफिनिटी पे देखना है, मतलब लेफ्ट में, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी डालूंगा, तो व्हेन आई विल पुट माइनस इंफिनिटी हियर, जस्ट सी हियर, अगर मैंने y डैश की वैल्यू निकाली एट x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज जीरो, वन अपॉन इंफिनिटी हो जाएगा विच इज जीरो, मतलब जीरो एग्जैक्ट जीरो तो नहीं बोलेंगे लेकिन जीरो अप्रोचिंग बोलेंगे, मतलब जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो के आसपास होगा, जीरो के बहुत नजदीक होगा, ठीक है, जीरो नहीं होगा बट जीरो के नजदीक होगा, टेंड टू जीरो होगा, ठीक है। अब खुद सोचो, अब जीरो है इसका मतलब क्या है, कि जो उधर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा x इक्वल टू इनफिनिटी पे उस कर्व पे, तो क्या होगा, टेंजेंट शुड बी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का स्लोप जीरो होता है, वर्टिकल का तो इनफिनिटी होता है, तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, दिस इज करेक्ट, क्योंकि इधर टेंजेंट क्या हो रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, कैसे हो रहा है देखो एक बार, ये देखो मेरा टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इधर मेरा टेंजेंट क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, तो समझ में आए, दिस इज परफेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अभी हम इतना डिटेल, अभी एनालिसिस एक्चुअली जरूरत नहीं है अभी एट प्रेजेंट, बट फिर भी मैंने बता दिया फॉर अंडरस्टैंडिंग कि हमारा ब्लू वाला ही क्यों है, ब्लैक वाला क्यों नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ, दिस इज फॉर ए की पावर ए ग्रेटर देन वन, अब बेस लेस देन वन के लिए बना लेते हैं, तो उससे पहले क्या करो, तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखना ये अच्छे से लिखना कॉपी में, ठीक है ना, क्या मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, माइनस इन्फिनिटी पे स्लोप जीरो हो रहा है, इन्फिनिटी पे स्लोप इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब इन्फिनिटी पे वर्टिकल टेंजेंट आएगा और माइनस इन्फिनिटी पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आएगा, ठीक है। अब देखना, अब मैं ये ब्लैक वाला हटा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीजिंग नेचर क्या बोला था मैंने, इंक्रीजिंग भी, ये इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, बहुत आसान भाषा में क्या बोलूंगा इंक्रीजिंग फंक्शन को, कि x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने ये क्या है ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, तो अगर x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू देखी तो y की कितनी आएगी, 2 की पावर 0 विच इज 1, तो x इज इक्वल टू 0 पे y मेरा 1 आएगा, दिस इज 1, फिर मैंने x को बढ़ाया y 1 कितना, y कितना आएगा 2 की पावर 1 विच इज 2, तो x इज इक्वल टू 1 पे मेरा y आ जाएगा 2, फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 लिखा तो y कितना आएगा 2 की पावर 2 विच इज 4, तो 2 पर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन, तो x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेरा, क्या बोलते हैं, चलो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का लिखा है मैंने अभी। अब हम बेस लेस देन 1 के लिए देख लेते हैं, तो लेस देन 1 के लिए क्या होगा, मैंने एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल टू 1 बाय 2 की पावर x, मेरा a की वैल्यू कितनी, हाफ, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 2 की पावर x, तो इसका ग्राफ क्या होगा, आपको सोचो, जब मैं x बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, बेसिकली डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे 1 है, x is equal to 2, 1 पे denominator कितना होगा 2, x is equal to 2 पे denominator कितना होगा 4, फिर 3 पे 8, and so on, तो क्या हो रहा है, x बढ़ाने पे denominator बढ़ रहा है, तो overall value क्या होगी, decrease होगी, so this is a decreasing function, और decreasing function कैसा आएगा देखना, इसका graph आएगा, देखना ध्यान से बच्चों, इसका graph हमारा आएगा ये, ठीक है, x is equal to 0 पे, ये x is equal to 0 पे value बनाएगी, अब खुद सोचो, infinity पे, इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी आएगी, जब मैं इन्फिनिटी रखूंगा एक्स इन्फिनिटी पे, तो क्या होगा, ये जीरो की तरफ जाएगा, वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर, जैसे इट इज समथिंग लाइक वन अपॉन इन्फिनिटी विच इज नथिंग बट इट इज ऑलमोस्ट जीरो, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस को टेंड कर रहा है, और ये भी बोलूंगा इस ग्राफ में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट, वो तो लिखेंगे अभी दो मिनट में, अभी सुनना, ये हो गया मेरा, हाँ, सिमिलरली अगर मैंने इधर इधर डाला होता, इधर मैंने माइनस इन्फिनिटी डाला होता, तो कितना आता इधर, वन ऑफ 1 upon 2 की पावर माइनस इंफिनिटी विच इज अगेन 0, तो दिख रहा है ये 0 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें मैंने इंफिनिटी डाला तो 2 की पावर इंफिनिटी, मतलब ये इंफिनिटी को जा रहा है, x अगर इंफिनिटी डालूंगा तो y इंफिनिटी को जा रहा है, इसमें अगर मैंने x को इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डाला तो सोचो इधर माइनस इंफिनिटी डालूंगा तो ये ऊपर जाकर इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी जा रहा है, तो ठीक है, एटलीस्ट तो मैं ये सब मेजर करना, मतलब ग्राफ देख के ये पता, एटलीस्ट इतना आइडिया लगना चाहिए कि भाई इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पे क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे क्या है, जीरो पे क्या है, जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं हमको, उन पे हमें पता होना चाहिए वैल्यूज, जैसे कि मैंने इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है मुझे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो पे, इन सब पे आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ किस वैल्यू को अप्रोच करेगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके लिए हम वो चीज लिख लेते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि हम जितने भी ग्राफ पढ़ेंगे उनके लिए वो लिखते जाएंगे, फास्ट फास्ट लिख लेंगे, थोड़ा जल्दी और प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले इसका लिखते हैं डोमेन, दोनों का लिखते जाते हैं, चलो मैं इसका भी और इन दोनों का लिखने वाला हूं, तो व्हाट इज डोमेन, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, 2 की पावर x में कुछ भी डाल सकता हूं, x कोई भी रियल होना चाहिए, डोमेन इज रियल,
उस केस में क्या होगा, उसमें भी रियल प्रोजेक्शन देख लो भले एक्स एक्सिस पे। अच्छा अब रेंज पे आते हैं, इस केस में रेंज क्या होगा, देखो वाई एक्सिस पे जब प्रोजेक्शन लोगे तो क्या आएगा, जीरो ओपन से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा जीरो ओपन से इन्फिनिटी। और जीरो भी, जीरो का भी ऑब्टेन नहीं होगा बिकॉज तुम माइनस इन्फिनिटी भी डालोगे तो ये जो क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिटी होगा, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट जीरो, मतलब 0.00000 एंड सो ऑन वन, इट इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, ठीक है। अच्छा फिर इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, इस केस में अगेन द रेंज इज सेम, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी, तो दिस इज जीरो से इन्फिनिटी, योगे डोमेन रेंज। अब रूट देख लेते, तो रूट है क्या, कोई कोई रूट नहीं है क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्सेस को कट कर ही नहीं रहा, मैंने अभी इधर क्या बोला, ये एक्स एक्सेस को टच भी नहीं करेगा एक्चुअली, तो रूट नहीं है इधर, ऐसा नहीं बोलना माइनस इन्फिनिटी इज रूट, कोई रूट नहीं है, तो सिमिलरली इधर भी कोई रूट नहीं है। अब आते हैं हम इसके एफ मैक्स पे, मैक्सिमम वैल्यू है क्या कोई, रेंज के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट नहीं, इधर भी नहीं, एफ मिनिमम कोई है क्या मिनिमम वैल्यू सेट के अंदर, इसमें भी नहीं है, सिमिलरली इसमें भी नहीं है। फिर आते हैं हम लोअर बाउंड, लोअर बाउंड है क्या, हाँ लोअर बाउंड है, जीरो एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू जीरो इज लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड है और उसकी वैल्यू जीरो है, सिमिलरली इसके लिए लिख लें लोअर बाउंड है ये भी और जीरो इज द लोअर बाउंड, ये भी लोअर बाउंड है एंड जीरो इज द लोअर बाउंड। अपर बाउंड, ये अपर बाउंड है क्या, ये वाला नहीं, लोअर इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये अपर बाउंड नहीं है, तो अपर बाउंड की बात ही नहीं है, सिमिलरली ये भी नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या बोलूंगा, इसको भी अनबाउंडेड एंड हियर ऑल्सो अनबाउंडेड, ठीक है। फिर और हमारा क्या बचता है, पीरियोडिक, तो दिख रहा है पीरियोडिक तो दोनों ही नहीं, तो वो भी लिख लो तुम, नॉन पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, समझ में आया। तो याद रखना हमें डायरेक्टली कभी भी हमें दिया हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नीदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग, तो हम चुप रहेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल इसको बोलेंगे, इसमें डिपेंड किस पे करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बेस क्या है हमारा, अगर वो वन से बड़ा है बेस तो हमारा इंक्रीजिंग होगा, अगर बेस वन से छोटा है तो हमारा डिक्रीजिंग होगा, सो बोथ केस शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। अभी हम सिनेरियो देखेंगे लॉग में, उसमें भी हम दोनों बेस लेंगे, बेस एक बार वन से बड़ा लेंगे और एक बार जीरो और वन के बीच में लेंगे, ठीक है, उसमें भी हमारे दोनों नेचर आएंगे, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं इसको रब करता हूं। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ का डिस्कशन। अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक, क्या देखेंगे अब लॉगरिथमिक, देखना तो नेक्स्ट डाल लो तुम लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, मैंने अभी वेरिएबल क्या लिया, बेस क्या लिया, a लिया है, तो अभी मैं डायरेक्टली इसका ग्राफ जो हम जनरली अभी तक पढ़ते आते हैं, क्या पढ़ते हैं हम ग्राफ ln x का, ln x का ग्राफ मैं बता रहा हूं अभी दो मिनट के लिए, ln x का जो हम ग्राफ पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं ये वाला, तो ln x का अगर कोई बोले ये ग्राफ होता है तो बिल्कुल करेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि ln x में जो बेस होता है वो e, ln x में क्या होता है नेचुरल लॉग क्या होता है, उसमें बेस e होता है, उसकी वैल्यू कितनी 2.7 समथिंग, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1, बट अगर मुझे log x टू द बेस a दिया जाए तब मैं ये नहीं बोलूंगा, देयर आर टू टाइप ऑफ ग्राफ, एक तो ये होगा कब, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और एक होगा डिक्रीजिंग नेचर का, एक होगा बच्चों डिक्रीजिंग नेचर का, वो कैसे होगा देखो, दिस विल बी द ग्राफ, ठीक है, दोनों की वैल्यू जीरो कब होगी, जब आर्ग्यूमेंट वन होगा, क्योंकि लॉग वन जीरो होता है, फिर बेस कुछ भी हो, हाँ इतना है कि डिफाइन होना चाहिए, तो ये कितना होगा आर्ग्यूमेंट वन पे एक्स वन कॉमा जीरो आएगा, एक्स इज इक्वल टू वन पे वाई जीरो है, सिमिलरली हियर आल्सो वन पे जीरो है, ठीक है। अब इसका भी नेचर तुम जैसे मैंने डेरिवेटिव का बताया था वैसे भी डिफाइन कर देख सकते हो, जैसे अगर मुझे बोले इसका जीरो पे डेरिवेटिव क्या है, तो जस्ट इसको जैसे अब तुम्हें अगर आता है डिफरेंशिएट करना तो देख सकते हो, जैसे मैंने बोला सिंपल ln x का, ln x है मेरा, मान लिया एक बेस इज ग्रेटर देन 1 ln x के लिए, तो इसका डेरिवेटिव अगर तुम्हें आता है तो इट इज 1 बाय x, ठीक है ना, वैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को आता ही होगा। तो अब मैं बोलूं x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैंने इसकी वैल्यू देखी तो कहां जा रही है, इन्फिनिटी ना, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर होगा, बहुत बड़ा नंबर मतलब वर्टिकल टेंजेंट, तो दिख रहा है इसका नेचर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सो दैट टेंजेंट वर्टिकल है, ठीक है ना, मैंने इसलिए ऐसे बताया क्योंकि दो नेचर हो सकते हैं ना, या तो ऐसे
या कर्व के, या कोई कर्व के ऐसे हो सकते हैं, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इधर तो टेंजेंट क्या है हॉरिजॉन्टल, इधर टेंजेंट क्या है वर्टिकल, तो हम डेरिवेटिव से एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार हमारा इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए भी क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव क्या आएगा, इन्फिनिटी, सो वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट की, अब आते हैं इसके वही वाले सब पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो ये प्रॉपर लिख लो, दिस इज केस वन इज ए ग्रेटर देन वन, और ये केस टू क्या है हमारा, ए इज लेस देन वन, ऑफकोर्स ग्रेटर देन जीरो, और हमें क्या लेना है, लॉग एक्स को लिख लिया हमने, इधर लिख लो ए जो है वो इट इज ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, वन नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो केस वन आएगा ग्रेटर देन वन, और एक आएगा लेस देन वन ग्रेटर देन जीरो, तो ये ग्राफ हमें टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम देख लेते हैं इसका रेंज वगैरह, रेंज डोमेन वगैरह, तो वीडियो को पॉज करके एक बार तुम लोग लिखो, ठीक है, मैं एक का लिख देता हूँ, तुम लोग दोनों का लिखो। तो डोमेन, डोमेन क्या होगा, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, तो एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, बाकी हमें ऐसे ही पता है कि लॉग का डोमेन हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी सीखा, एल एन एक्स का कब डिफाइन होता है लॉग, जब उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, डोमेन क्या हो गया, जीरो ओपन से इन्फिनिटी, x की अलाउड वैल्यूज ही होती है, उसका कंप्लीट सेट इज व्हाट, डोमेन। अब आते रेंज पे, तो रेंज पे क्या होगा, y एक्सिस पे कितना कवर किया ग्राफ ने, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ y एक्सिस ऑन द ग्राफ, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन y एक्सिस कितना होगा, पूरा y एक्सिस कवर हो जाएगा, तो इट इज ऑल रियल वैल्यूज। अब आते रूट पे, तो इसका कोई रूट है क्या, दो मिनट के लिए सोचो, हाँ रूट है, रूट कैसे होता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जहां ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया, तो x एक्सिस को इधर कट किया, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो रूट है वो 1 है, या फिर ऐसे बोल लो x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो रहा हो, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे y 0 हो रहा है, hence x इज इक्वल टू 1 इज रूट। इसके बाद आते हैं f मिनिमम, तो ये दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो f मिनिमम क्या होगा, इस सेट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू, डज नॉट एग्जिस्ट, f मैक्स अगेन डज नॉट एग्जिस्ट, फिर हमारा आता है लोअर बाउंड है क्या, नहीं है, अपर बाउंड है क्या, बिल्कुल नहीं है, उसका तो ओवरऑल अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ठीक है ना, अनबाउंडेड है, ठीक है, उसका पीरियोडिक है क्या, नहीं पीरियोडिक तो किसी हालत में नहीं है, तो ये दोनों चीज, इसके लिए भी यही डाटा आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आयो समझ में आया होगा, तो हमें कभी भी एल एन एक्स का ग्राफ कोई बोले तो जनरली क्या होती है, बच्चों की प्रैक्टिस में होता है वो ये बनाते हैं, ठीक है ना, बट वो किसका बनाते हैं, एल एन एक्स का, क्योंकि उसमें एल एन एक्स में ई जो है दैट इज ग्रेटर देन वन, तो यही बनता है इंक्रीजिंग नेचर का, लिख भी लो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बाकी हमें इतना पता है कि हम लॉग अगर बेस अगर जीरो वन के बीच में है तो उसको हम वन से बड़ा बना सकते हैं, फिर वो लॉग रहते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके, बट अगर जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में अगर बेस ग्रेटर देन वन है तो आर्ग्यूमेंट बनाने पे हमारा फंक्शन बढ़ेगा, आर्ग्यूमेंट इस वाले केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन की वैल्यू कम होगी, ठीक है, देख रहा है वाई कम हो रहा है, मतलब नीचे जा रहा है ग्राफ, इसमें एक्स बढ़ाने पे वाई ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चा। चलो तो अब इसको तुम कॉपी कर लो, उसके बाद मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल, हो गया लॉगरिथमिक, हो गया। अच्छा अब हम देख लेते हैं इसके बाद एक छोटा सा है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन वो भी इंपॉर्टेंट है हालांकि, और उससे रिलेटेड भी जेई में एक दो बार पूछा है क्वेश्चन, यू कैन सी इन पास्ट ईयर, तो उसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना, इसको डिनोट करते हैं वाई इज इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स। अब ये इसका ग्राफ होता क्या है देखना ध्यान से बच्चों, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है इसका, देखो इधर मैंने हॉलो सर्कल लगाया, इसको इस साइड लिखा, इधर मेरा एक फिल्ड सर्कल है जीरो पे, और एक इधर ऐसा ग्राफ है, इसको मैं काम करता हूँ दूसरे कलर से लिख लेता हूँ सो दैट ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, देखो ये है ये फिर ब्लू, समझ में आ रहा है बच्चों क्या हो रहा है, ये जीरो ये माइनस वन और ये प्लस वन, तो इसका ग्राफ हमें याद होना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्स अगर पॉजिटिव डाल रहा हूं मैं, पॉजिटिव जीरो भी नहीं लिया, तो वाई मेरे को वन मिल रहा है, कोई भी एक्स डालो, चाहे वन डालो टू डालो थ्री डालो फोर डालो, कोई भी एक्स डालो, यू विल गेट वाई इज इक्वल टू वन। सिमिलरली फॉर एक्स नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, यू विल गेट वाई इज इक्वल टू माइनस वन, एंड एग्जैक्ट दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यू विल गेट जीरो। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, वाई को देखना, वाई को क्या लिख रहा हूं मैं, इट इज प्लस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, इट इज माइनस वन फॉर एक्स लेस देन जीरो, इट इज जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सभी
ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइन हो गया ये। समझ में आया क्या लिखा मैंने? फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो इट इज प्लस वन, फॉर एक्स लेस देन जीरो इट इज माइनस वन, एंड फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो इट इज जीरो। क्लियर है बच्चों? चलो अब इसी को देखना, इसको मैं एक और तरीके से थोड़ा स्मार्टली डिफाइन कर सकते हैं। हम देखना ध्यान से बहुत, एक बार तुम लोग सोचो कि इन दोनों डेफिनेशन को मेरे को क्लब करना है। मैं एक हिंट दे देता हूं, आई वांट टू क्लब दीज टू यूजिंग मॉड। तो वीडियो को पॉज करके यू जस्ट ट्राई योरसेल्फ। मैं इसको लिख रहा हूं, देखना क्या लिख रहा हूं मैं। वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स लेस फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज जीरो फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखो यही वाली डेफिनेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोथ वे वी कैन राइट। एक बार रख के देखो, तुमको सोचो कैसे किया मैंने। देखो अगर x मैंने x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए तो ये डेफिनेशन यूज हो रहा है फंक्शन का, और x इज इक्वल टू जीरो के लिए वो बोल रहा है जीरो, उसने अलग से डिफाइन कर दिया। तो इसमें जीरो नहीं रखना है, जीरो इसमें रखेंगे। जीरो के लिए वो जीरो बोल रहा है y, और x जब जीरो नहीं रखा तो ये डेफिनेशन बोल रहा है। अब देखो अगर मैं x पॉजिटिव लिखूंगा तो मॉड x क्या होगा? फॉर x पॉजिटिव मॉड x विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा x अपॉन x व्हिच इज 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x को हटाऊंगा तो मैं एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है, हमने ये सब डिस्कशन किया है बेसिक मैथमेटिक्स में। तो मॉड x कैसे ओपन होगा? माइनस x, तो माइनस x अपॉन x क्या होगा? माइनस 1। तो ये क्या हो गया ओवरऑल? माइनस 1 फॉर x लेस देन 0। तो समझ में आया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। देखना फर्दर, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन मॉड x, वन एंड द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है दोनों में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर मॉड लगाओ चाहे नीचे लगाओ, दोनों जगह नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो अलग हो जाएगा टोटली, एक जगह लगाना है कोई भी, ठीक है? चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा वो एक बार जल्दी जल्दी फास्ट लिख लेते हैं हम, डोमेन रेंज वगैरह। तो व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन फॉर दिस? x कुछ भी डाल सकते हैं, देखो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो तीनों के लिए डिफाइन है, तो डोमेन क्या हो गया? आर। व्हाट इज रेंज? अब रेंज का इंटरेस्टिंग है, रेंज देखो रेंज के अंदर इसने क्या बोला है, तीन ही वैल्यूज आ रही है y की। x कुछ भी डालो, इन तीनों के अलावा y तो कोई आ नहीं रहा। और रेंज होता क्या है? y अपना क्या बोलते हैं, y की ऑप्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y, उसका कंप्लीट सेट। तो तीन ही वैल्यूज आएंगी, जीरो प्लस माइनस वन, या फिर प्रोजेक्शन देख लो, इस ग्राफ का प्रोजेक्शन लोगे y एक्सिस पे, तो एक तो ये वाला पॉइंट आएगा, एक ये जीरो है और एक माइनस वन। तो रेंज के अंदर तीन एलिमेंट्स आएंगे, सिंस हमारे अभी तक जो हमने रेंज के देखे थे, अभी तक क्वेश्चंस जो भी अभी तक ग्राफ बनाए थे उसमें जो रेंज आ रही थी वो एक कंटिन्यूअस सेट था, इसमें डिस्क्रीट है, तो इसमें मतलब तीन एलिमेंट्स ही है ना रेंज के अंदर, उसमें तो इनफाइनाइट वैल्यूज थी अभी तक जो भी हमारे सेट आ रहे थे। तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा? कर्ली ब्रैकेट। तो रेंज में क्या लिखूंगा मैं? माइनस वन जीरो प्लस वन। समझ में आया? अब एफ मैक्स, चलो उससे पहले रूट देख लेते हैं। तो रूट क्या होगा? x की वो वैल्यू जिसके लिए y इज गेटिंग जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो पे y जीरो आ रहा है, ऐसे बोल लो, या फिर ग्राफ ने x x को कट कहाँ किया? जीरो पे कट किया, क्योंकि जीरो पे ये जो मैंने शेड किया ना, दिस पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, ब्लू कलर में जो किया है। तो रूट क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो मतलब जीरो रूट है, मतलब एक रूट है एंड उस रूट की वैल्यू जीरो है, ऐसा नहीं जीरो रूट है मतलब रूट नहीं है। ऐसे लिख लो, x इज इक्वल टू जीरो इज वन ऑफ द रूट, इज वन रूट, ऐसे लिख लो बेटर रहेगा, ठीक है? अच्छा उसके बाद हमारा आता है एफ मिनिमम, तो दिख रहा है इस सेट के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी है? माइनस वन। फिर एफ मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? प्लस वन। उसके बाद आते हैं हम लोअर बाउंड, हाँ बिल्कुल है, और लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है? माइनस वन। अपर बाउंड बिल्कुल है, कितनी वैल्यू है? प्लस वन। तो लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी, इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड, ओवरऑल फंक्शन इज बाउंडेड। उसके बाद हमारा बचता है पीरियोडिक है क्या? नहीं बिल्कुल पीरियोडिक नहीं है, डोंट से इट पीरियोडिक, कि ये इतना किसी पीरियोडिक मतलब क्या होता है? ग्राफ रिपीट करना चाहिए, रिपीट तो नहीं कर रहा है, ये अपना चला जा रहा है एक जगह और ये भी अपना एक जगह, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सिग्नम फंक्शन के ऊपर, याद रखना। देखो तुम ये थोड़ा स्मार्ट तरीका, जेई में इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए, मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना? हम देखेंगे आगे, जब अब उस लेवल तक पहुंच जाए तब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शन पे। अच्छा इसमें हमने एसिम्प्टोट नहीं लिखी, कोई एसिम्प्टोट है क्या? नहीं एसिम्प्टोट नहीं, तो लिख लेना इधर, नो एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट क्या होती है? एक वो लाइन जिसको ग्राफ इंडेफिनेटली अप्रोच करता है, बट देयर इज नो सच लाइन। ये तो अब ये नहीं बोलना ये एसिम्प्टोट है, ये तो ग्राफ का ही ब्रांच है। एसिम्प्टोट तो मैंने क्या बोला था, ग्राफ का पार्ट नहीं होता है, वो तो एक सपोर्टिंग कर्व होता है, ठीक है ना? तो डोंट से x इज इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 आर टू एसिम्प्टोट, नहीं, ये तो दीज टू ब्लू लाइंस आर द पार्ट ऑफ ग्राफ, नॉट द एसिम्प्टोट्स।
अच्छा अब थोड़ा सा अपन एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन का और क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है ना। हालांकि वो जरूरत है नहीं, बिकॉज एवरीवन नोज, क्योंकि बहुत हमने क्वाड्रेटिक किया, बट फिर भी एक दो बार, क्योंकि मैंने देखा ड्यूरिंग रिवीजन टाइम लोगों को, बच्चों को वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स वगैरह नहीं पता होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जस्ट हम फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले लीनियर का, लीनियर ग्राफ, और उससे ही पहले देखना है तो कांस्टेंट भी देख सकते हो, कांस्टेंट का जरूरत नहीं, छोड़ो लीनियर देखते हैं हम। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जो भी ये कैटेगरी है लीनियर ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें हमारे कितने तरह के, कितने केसेस बनेंगे, वो m और c पे डिपेंड करता है। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से अगर मैं बोलूं, दो क्वांटिटी है तो PNC से कैसे बोलूंगा कितने तरह के केस बन सकते हैं, चार। m को भरने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, c को भरने के दो तरीके हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। c को क्या बोलते हैं हम, y इंटरसेप्ट, m इज स्लोप, ये ऑलरेडी पता है। तो हम ज्यादा डिस्कशन इस पे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू देख रहे हैं बस इसका फास्ट। तो मैंने बोला चार केसेस बनेंगे, तुम लोग बना लो इस चारों को। तो ये लिख लिया मैंने फोर केसेस, चार केसेस कैसे बोला मैंने, पीएनसी की मदद से। एम को फिल करने के दो तरीके हैं, सी को फिल करने के दो तरीके हैं। फिल करने के तरीके कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो अब देखना, एक ग्राफ मैंने ये लिया, एक ग्राफ मैंने ये ले लिया, एक ग्राफ मैंने ये ले लिया, एक ग्राफ मैंने ये ले लिया। अब देखते, अब लिख लेते हैं हम एम और सी पे कमेंट करते हैं, और फॉर ऑल द फोर ग्राफ्स। तो देखो इधर दिख रहा है एम क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, विच इज स्लोप, वही होता है m tan theta, तो m इज पॉजिटिव, तो दिस m इज ग्रेटर देन 0। c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो दिख रहा है ये नेगेटिव है, हेंस c इज लेस देन 0। अब तुम लोग क्या तीनों के लिए भरो इसको, फिर इधर क्या हो जाएगा, m इज अगेन ग्रेटर देन 0, c हियर इज पॉजिटिव, ठीक है, दिख रहा है y इंटरसेप्ट, c को लिख लो, दिस इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे है, y इंटरसेप्ट निकालते कैसे हैं, किसी भी कर्व का x को जीरो डालते हैं, तो x को अगर जीरो डालेंगे तो y = c आया, तो c क्या है बेसिकली, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, x जो कर्व है y एक्सिस को कहां कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम स्ट्रेट लाइन में बहुत ज्यादा डिटेल में देखे। नाउ हियर इट इज m इज क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है x एक्सिस, दिस थीटा इज ऑब्ट्यूस, हेंस दिस इज m इज लेस देन 0, और c क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज y इंटरसेप्ट विच इज पॉजिटिव, हेंस c इज ग्रेटर देन 0। एंड लास्टली इधर हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 90, और जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है वो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, तो ये क्या है, नेगेटिव, सो सी इज नेगेटिव। सो दीज आर द फोर कैटेगरी ऑफ लाइंस वी विल मी माइट गेट। कोई बोलेगा सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा, ठीक है, वो जीरो के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वाई इज एम जीरो वगैरह। मैंने अभी केवल इसी को देखा कि एम पॉजिटिव, एम पॉजिटिव नेगेटिव और सी पॉजिटिव नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग वी विल गेट फोर ग्राफ, ठीक है। चलो अब एक आज छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, हालांकि जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन में भी कराया था, अभी तो रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्लोप ऑफ लाइन। देखना मैंने क्या किया, लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, मैं केवल एक बना रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। लेट्स से आई एम ड्रॉइंग फोर लाइन, जस्ट लुक एट हियर, मैंने बोला एक लाइन ये है, फिर एक लाइन मेरा ये है, अच्छा मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, एक लाइन मेरा ये है और एक लाइन मेरा ये है, ठीक है। तो ब्लू वाली जो दो लाइन बनाई उनको मैं ना, उनका मैं स्लोप दे देता हूँ, लेट्स से दिस इज एम वन, दिस इज एम टू, ठीक है, और जो ब्लैक वाली है उसका नाम है इधर उस एम थ्री, नाम मतलब स्लोप एम फोर। अब तुम्हें क्या करना है, M1, M2, M3, M4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, बड़े से छोटा। सो वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, मैं भी लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, अरेंज M1, M2, M3, M4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग एनी वन ऑफ द ऑर्डर। तो अब हम लिखते हैं, तो देखो M3 और M4 वो तो क्या है, वो जो दो लाइन्स हैं वो दोनों तो नेगेटिव होंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है क्लियरली ये दोनों लाइन्स क्या, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ये दोनों तो नेगेटिव होंगे और ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो M1, M2 तो M3, M4 से बड़े होंगे, तो ये तो अभी हमारे ये दोनों छोटे हो गए, तो इन दोनों पे, इन दोनों का डिस्कशन एक साथ करते हैं। अब इन दोनों का करते हैं, अभी तक क्या हो गया, ब्लू वाले हम ब्लैक वालों से ज्यादा बड़े हैं M1, M2, ठीक है। अब M1, M2 में भी क्या है कि जो M1, M2 है वो थीटा 2 बना रहा है और ये थीटा 1 बना रहा है, दिख रहा है ग्राफ से कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो tan थीटा 2 क्या होगा, बड़ा होगा tan थीटा 1 से, हेंस क्या होगा हमारा, M2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन M1। तो यहां तक बच्चे सही करते हैं, बच्चे कहां गलती कर देते हैं M3 M4 में,
वो क्या बोलते हैं कि एम थ्री बड़ा होगा, एम थ्री बड़ा होगा किस बेसिस पे बोलते हैं कि ये जो एंगल है ना थीटा थ्री लेट से और ये लेट से थीटा फोर, वो बोलते हैं थीटा थ्री बड़ा है थीटा फोर से। एम थ्री बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब एक्चुअली, बट एम फोर क्या होगा वैल्यू वाइज बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर एम थ्री का वैल्यू लेट से माइनस सिक्स है तो एम फोर का वैल्यू माइनस थ्री होगा। तो अगर मेरे को अब बोला जाए कि एम थ्री बड़ा है कि एम फोर बड़ा है तो माइनस सिक्स को बड़ा नहीं बोलूंगा, माइनस थ्री इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स, मैग्नीट्यूड वाइज माइनस सिक्स बड़ा है। तो इधर क्या आएगा मेरा, इन दोनों में सिर्फ कौन सा बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा, इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा, एम फोर बड़ा होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन एम फोर इज ग्रेटर देन एम थ्री, मतलब एम थ्री सबसे छोटा, सबसे छोटा। हाँ अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें वो लिख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, फिर हम इन पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, आपस में कमेंट कर सकते हैं M1, M2 और M3, M4 में, बट इन चारों का कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो तुम ऐसे लिख सकते हो मैग्नीट्यूड वाइज M2 इज ग्रेटर देन M1, बट इसके साथ मैं M3, M4 को क्लब नहीं कर सकता, बिकॉज वी डोंट नो कि थीटा 2 बड़ा है या थीटा 3 बड़ा है, ठीक है ना। अब इधर आएगा हमारा, इन दोनों में कंपेयर करूंगा मैग्नीट्यूड वाइज, तब M3 बड़ा हो जाएगा। सो M3 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन M4 का मैग्नीट्यूड। देखो इधर M4 बड़ा था M3 से, बट इधर M3 बड़ा है M4 से, ठीक है बच्चों। चलो तो इसको रब करो, कॉपी करो, मैं इसको रब कर देता हूं। अब आते हैं हम थोड़ा पैराबोलिक के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके बारे में हम काफी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक फंक्शन लिख लो या पैराबोलिक कर्व लिख लो या पैराबोलिक ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ। तो देखना बच्चों, पैराबोलिक ग्राफ तो पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि हम हर बार लेते हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं जब, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अच्छा तो इसमें हमने जब उस टाइम बताया था, तो मैंने बोला था ऐसे छह टाइप्स के ग्राफ बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन, एक तो a पे डिपेंड करता है और एक इसके डिस्क्रिमिनेंट d पे। तो a के बेसिस पे तो क्या डिसाइड होता है कि कर्व जो हमारा वो अपवर्ड की तरफ है या डाउनवर्ड की तरफ है, और डी से डिपेंड करता है रूट्स के ऊपर कमेंट करते हैं। तो ओवरऑल देयर आर सिक्स कैटेगरी, तो मैं तीन छह के छह बना देता हूं, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब अपवर्ड, ए लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड। अच्छा अब ए ग्रेटर देन जीरो में भी मैं पहला ले रहा हूं डी ग्रेटर देन जीरो, फिर सेकेंड ले रहा हूं डी इक्वल टू जीरो, और थर्ड ले रहा हूं D less than zero. सेम चीज मैं इनमें लूंगा A less than zero के लिए, पहले एक का बना लेते। तो अब सुनना, D greater than zero इसका मतलब roots real है, roots real है, और A is greater than zero upward की तरफ बनाना है तो कैसा बनेगा, this is a category. D equal to zero इसका मतलब क्या है, A greater than zero upward बनेगा, mouth opening upward, D equal to zero मतलब वो x axis को touch करते हुए चला जाएगा, roots will be real and equal, तो roots हमारे real and equal आ गए। D less than zero इसका मतलब वो x एक्सिस को कहीं कट करेगा ही नहीं, रूट्स एक भी नहीं आएगा, तो हमारा ग्राफ ऊपर के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बन गए, अब इन्हीं के जस्ट उल्टे हो जाएंगे। कैसे उल्टे हो जाएंगे देखो एक बार, a less than zero है, मैंने बोला a less than zero है, d greater than zero, तो अगेन रूट्स आर रियल और डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला, तो मेरा कैसे बनेंगे ये, फिर टच कर रहा है तो टच कर दो ये नीचे की तरफ, और लास्टली x एक्सिस को नहीं टच करेगा तो ये बनेगा, क्लियर हुआ बच्चों। सो दीज आर माई सिक्स पॉसिबल ग्राफ ऑफ पैराबोला, जिसमें सी को और क्या बोलते हैं, सी दिख रहा है क्या है, अगर मैंने एक्स को जीरो डाला तो वाई सी आएगा, तो सी क्या है बेसिकली, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, एक तो ये चीज याद रखेंगे। और पैराबोलिक कर्व में क्या याद रखेंगे, पैराबोलिक फंक्शन में लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये जो पैराबोला फंक्शन होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो इसको देख लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। कौन सी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जो बीच वाली लाइन है, कैसी लाइन है देखो, देखते हैं एक बार अपन, तो मैं एक बार बता देता हूँ लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको हम पढ़े थे। देखो ये मेरा कोई भी कर्व है, कोई भी पैराबोला है, सो दिस लाइन इज व्हाट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, सिंस इट इज वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप, अब मुझे कॉन्स्टेंट पता करना है तो इसका मतलब इस वर्टेक्स का कॉर्डिनेट एक्स कॉर्डिनेट पता होना चाहिए, तो इसके वर्टेक्स के कॉर्डिनेट्स क्या होते होते हैं, एक बार खुद से लिखो वीडियो पॉज करके, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, कैपिटल डी का भी यूज कर सकते हो डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो जाता है माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए,
दिस इज नॉट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे को पता है कि अगर ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, ठीक है। अच्छा, और अब रूट्स वगैरह हम डिस्कस करते नहीं, हालांकि रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, ये सब ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पढ़ चुका है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा सर ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए, तो इसके मैंने ऑलरेडी तीन चार मेथड तुम्हें क्वाड्रेटिक में पढ़ाए, तो उधर तुम रेफर कर सकते हो। एक बार मैं फास्ट फिर भी बता देता हूँ। देखो एक एक, एक एक तरीका क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। मेथड टू इज इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जहां इसका मिनिमा आ रहा है। मिनिमा कहाँ आ रहा है, वर्टेक्स पे मिनिमा आता है। अच्छा, और एक और तरीका क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, इसका डेरिवेटिव से कर लिया, और ऐसे बोल सकते हो कि जो ग्राफ है वो इन दो रूट्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक रूट है मेरा माइनस बी प्लस, इसको रूट डी लिख देते हैं, रूट डी बाय टू ए, और एक है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय टू ए। तो एक एक रूट ये अल्फा और ये है मेरा बीटा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट इज व्हाट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बारे में, एक तो रूट्स हो गए हमारे वर्टेक्स के, देखो एक तो यही इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होता है इस वाले पार्ट में, तो इसको याद रखना। अगर एक मिनट के लिए भूल गए तो क्या करोगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चली गया, उस एक्स कोऑर्डिनेट को तुम इसमें उठा के रख दो, तो तुम्हें वाई आ जाएगा, बेसिकली यही आएगा, ठीक है। तो अब एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, पैराबोला के ग्राफ बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ नया सीखेंगे। तो लेट मी ड्रॉ कुछ ग्राफ्स। मैं पैराबोला तुम्हें लगेगा फास्ट किया, बट इसलिए किया है बिकॉज हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये सब बहुत डिटेल में, कि हमने एक महीना पढ़ा था क्वाड्रेटिक चैप्टर, अराउंड 25 to 30 क्लासेस। तो जैसे मैंने बोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनाना है। तो देखो ग्राफ का, देखो अगर तुम्हें जब भी ग्राफ बनाना है ना क्वाड्रेटिक का, तो क्या याद रखोगे, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है। हमें क्या चाहिए ग्राफ में, हमें थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए, आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा, हमें बस उसका नेचर पता होना चाहिए कि भाई हाँ रूट्स रियल आ रहे हैं या नहीं, मतलब एक्स एक्सिस कहाँ कट कर रहा है, इन्फिनिटी पे नेचर किसका है, कैसा है, माइनस इन्फिनिटी पे कितना है, वाई इंटरसेप्ट वगैरह कितना है, ये कुछ कुछ माइन्यूट सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमें बिना रूट निकाले भी आ जाएगी, कैसे, अगर केवल तुम्हें दो चीज़ पता है, एक तो वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो याद रख लो, ओनली वी नीड टू कैलकुलेट वर्टेक्स एंड वर्टेक्स कैलकुलेट करना मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस वाई इंटरसेप्ट। तो अब देखो अगर वाई, देखो एक अब देखो मुझे क्या पता है इसके बारे में, वो देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, रूट्स तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे चाहिए क्या, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस बी बाय फोर ए। डी क्या है मेरा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देख लेते हैं, तो माइनस बी तो माइनस ऑफ माइनस थ्री, तो प्लस थ्री अपॉन टू, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया। अच्छा, अब देखते हैं डी, तो डी कितना आएगा, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर टू द एट विच इज वन, तो माइनस वन बाय फोर ये आया, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये होगा मेरा वर्टेक्स, एक्स पॉजिटिव विच इज थ्री बाय टू एंड दिस इज माइनस वन बाय फोर। अब देर आर टू पॉसिबिलिटी, देखना केवल एक्स केवल वर्टेक्स निकालने से मुझे नहीं पता चलेगा, क्यों, क्योंकि देखो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। ये तो ठीक है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा, तो इट विल लुक, देयर आर टू पॉसिबिलिटी जो मैं बोल रहा हूं, एक तो ये है और एक ये, समझ में आया, दोनों ग्राफ। वो कैसे डिसाइड होगा, कैसे डिसाइड होगा, मैंने दो चीज बोली थी, वाई इंटरसेप्ट एंड अपना वर्टेक्स के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट फैक्ट यूज कर लिया हूं। अब मैं यूज करूंगा वाई इंटरसेप्ट, जो नीचे वाला ग्राफ है, चलो इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, ये रेडिश कलर से, जो मेरा रेड वाला नीचे वाला ग्राफ है उसके लिए एक्स वाई इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव, और ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव है। अब देखते हैं इधर, इधर हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या है, प्लस टू है, हेंस दिस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग, समझ में आया, ऊपर वाला हमारा करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमें पैराबोला का ग्राफ बनाना है तो कीप इन माइंड वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स, एक तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स एंड क्या बोलते हैं अपना वाई इंटरसेप्ट। को बोलेगा सर रूट से तो और ज्यादा अच्छा होगा, बट कभी कभी रूट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, रूट्स क्यों निकालेंगे हम, ये निकालना आसान है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा, इसको मैं रब कर रहा हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन,
ठीक है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसके रूट्स हमने पढ़ते हैं, बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। क्या आते हैं इसके रूट्स? क्यूब रूट है ना, याद है ना, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वेशन के रूट्स है। खैर उससे मतलब नहीं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आते हैं इसके कर्व पे, तो क्या करें हम, वाई इंटरसेप्ट वन है ठीक है, उससे पहले इसके वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, तो माइनस वन बाई टू। अब देखो तुम्हारी मर्जी, अब इस x कोऑर्डिनेट निकालने के बाद या तो तुम डायरेक्टली y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हो माइनस डी बाय फोर ए, या फिर ये वैल्यू इसमें रख दो। तो व्हाट आई प्रेफर इज कि पुट दिस वैल्यू हियर, इट्स बेटर टू गेट y कोऑर्डिनेट इंस्टेड ऑफ माइनस डी बाय फोर ए, वो याद तो रखना है ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं ना उसके ऊपर डायरेक्टली कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है इन टर्म्स ऑफ d। अगर तुम्हें रिजल्ट याद है तो तुम उस तुरंत टिक कर दोगे। तो माइनस हाफ इसमें रखोगे तो क्या आएगा जी, वन बाय फोर माइनस हाफ, माइनस वन बाय फोर और प्लस थ्री बाय फोर, तो थ्री बाय फोर आ गया। अब माइनस वन बाय टू मतलब ये, प्लस थ्री बाय फोर मतलब ये, तो ये हो गया हमारा। अब देखो, अब इधर मुझे एक्चुअली क्या हुआ ना, इधर वाई इंटरसेप्ट पे अगर नहीं भी पता होता पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके विदाउट भी मैं ग्राफ बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा वर्टेक्स आया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी भाई, यही होगा ग्राफ। दिस इज एक्चुअली वाई इंटरसेप्ट विच इज, ये तो अपना कितना आया थ्री बाय फोर, ये आया माइनस वन बाय टू, ये हमारा क्या आया जीरो कॉमा वन वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है? तो देखो ये, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों की जरूरत हमेशा ही पड़ेगी, हाँ, लेकिन इन दोनों की जरूर, इन दोनों की मदद से हम कितने भी तरह के पैराबोलिक कर्व होंगे ना सब बना लेंगे। कौन सी दो चीजें? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स प्लस वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो पैराबोलिक ग्राफ में इतना काफी है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ पे, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ग्राफ, दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, और अब हम इसका डिफरेंट कैटेगरी देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ एन। तो उसमें पहला है, देखना बच्चों, इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली। फर्स्ट वन इज एन इज इक्वल टू, अच्छा जैसे चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर मान लो मुझे इस जो पहला कैटेगरी है उसमें कौन कौन से ग्राफ फॉल होंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला कि मुझे इसको जनरलाइज करना है, तो मैं क्या लिखूं, एन क्या है मेरा इवन इंटीजर है, तो मैं इसी को कैसे डिफाइन कर रहा हूं, ये तो मेरा जनरल हो गया। अब मैं हर एक कैटेगरी के लिए इसको डिफाइन कर लेता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, एन इज इक्वल टू टू एम वेयर एम बिलोंग्स टू आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरा ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन का, जिसके लिए एन इज टू टाइम्स स्मॉल एम वेयर एम बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये ग्राफ जैसे एम की वैल्यू मैंने वन ली तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू टू, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। एम की वैल्यू टू ली तो क्या मिला, एन कितना मिला फोर, तो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर। तो इसका जो ग्राफ आता है वो बेसिकली कैसा आएगा, देखना, दिख रहा है एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक। तो हमारा ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर एक्स स्क्वायर का ये है, तो एक्स की पावर फोर का आपने एक ही कैटेगरी में क्यों रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि एक्स की पावर फोर का ग्राफ ये होगा, वो भी ऐसा ही होगा। दिस इज ऑल्सो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर एंड दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर बोलेगा सर डिफरेंस क्या है, देखो तो डिफरेंस जब पता चलेगा जब हम दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ के अंदर बनाए, मतलब एक ही स्केल में। इसका मतलब क्या है कि अभी तो लग रहा है कि दोनों एकदम सेम है, तो डेफिनेटली जब फंक्शन अलग है तो ग्राफ तो अलग ही होगा ना, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर फोर वैल्यू तो सेम नहीं आएगी ना। जैसे ठीक है वन पे वैल्यू सेम आ रही है, टू पे इसकी वैल्यू फोर आएगी, उसकी वैल्यू सिक्सटीन आएगी, तो आप कैसे वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे, बेटर क्लियरिटी के लिए क्या करें, हम दोनों ग्राफ को एक ही स्केल पे बनाते हैं। तो देखना, सुनना आप ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट चीज है। तो इन दोनों कर्व को एक ही स्केल पे मुझे बनाना है। पहली बात देखो, जब भी x की वैल्यू 0 से 1 लाई करेगी ना, 0 से 1 के बीच में, तो दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा होगा। एक्स देखो फ्रैक्शन, जब भी वैल्यू फ्रैक्शन होती है ना कोई चीज, उसकी मैं अगर पावर बढ़ाता हूँ तो वो और छोटी होती चली जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट आई एम कमेंटिंग, कि x इज इक्वल टू 0 से 1 के लिए, देखो इस पे भी जीरो आ रहा है, इस पे भी जीरो आ रहा है, तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक काम करते हैं, अच्छा इसी के ऊपर बना लेते हैं, इसी साइड में बना लेते हैं। चलो मैं बोल रहा हूँ ये तो हो गया सेपरेट ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ को मेरे को सेम स्केल पे बनाना है, तो पहले तो कोई भी बना दिया एक रैंडमली, लेट्स से मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दिया। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला इसी के ऊपर y इक्वल टू x की पावर फोर बनाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 0 से 1 के बीच में, जब मेरा x 0 से 1 के बीच में होगा तब x स्क्वायर बड़ा होगा x की पावर फोर से, उल्टा होगा, जिसकी पावर छोटी वो बड़ा।
तो बड़ा होगा इसका मतलब क्या है, वो ग्राफ 0 से 1 के लिए, 1 के बीच में इसके ऊपर आना चाहिए ब्लू वाले के, नहीं ऊपर, और 1 के बाद ये ग्राफ ऊपर हो जाना चाहिए क्योंकि 1 के बाद इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखना ग्राफ का नेचर मैं कैसे लिख रहा हूं, बना रहा हूं, ये ब्लैक वाला क्या है मेरा, y is equal to x की पावर 4। वेट अ मिनट, गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, एक मिनट, उल्टा कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से एक बार। ये मैंने अगर मान लो x स्क्वायर लिया, नहीं, ये x की पावर 4 होगा, दिस इज माई x की पावर 4 एंड दिस इज y is equal to x square। देखो ध्यान से बच्चों, जो ब्लैक वाला है वो 0 से 1 के लिए, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 0 से 1 के लिए ब्लू वाला जो है नीचे, और नीचे कौन सा होगा जिसकी पावर बड़ी होगी, x की पावर 4, और ब्लैक वाला ऊपर होगा व्हिच इज y = x स्क्वायर। अब 1 से राइट में बात करते हैं तो क्या होगा, जिसकी पावर बड़ी वो ऊपर होगा, तो ब्लू वाला ऊपर होगा, ब्लैक वाला नीचे। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था, आप मुझे बोले y = x की पावर 6 और बनाओ, तो क्या होगा, y = x की पावर 6 और छोटा हो जाएगा 0 से 1 के लिए, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, बट फिर क्या होगा, ऊपर निकल जाएगा, तीनों दोनों से ऊपर निकल जाएगा, दिस इज y = x की पावर 6। समझ में आया कि 0 से 1 के बीच में पावर ज्यादा बड़ी होगी तो ग्राफ नीचे होगा, 1 के बाद बढ़ेगा, 1 के बाद वो ऊपर आ जाएगा पावर अगर बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आया? तो इसको कॉपी कर लो। इसमें कौन कौन से कैटेगरी के फॉलो होंगे, y = x2, x की पावर 4, x क्यूब, x की पावर 8 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीग्रल, इवन पावर ऑफ x वाले ग्राफ। ठीक है, चलो तो अब इसको मैं रब कर देता हूं, अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑड वाले ले लेते हैं, एक बार इवन वाले ले लिया, नाउ विल टेक ऑड वन। देखना, मैंने बोला अब सेकंड वाला ले रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 वेयर माय m बिलोंग्स टू i लिख देते हैं, i प्लस, एक काम करते हैं 2m माइनस 1 लिख देते हैं, उससे क्या होगा, 0 लिखना चलेगा, सॉरी i प्लस लिखना चलेगा। क्यों? अब देखो, जब मैंने i प्लस बोला तो 1 x के लिए 1 डालूंगा m की वैल्यू, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू, काम करो इसको प्लस 1 ही कर लो क्योंकि वो लीनियर हो जाएगा नहीं तो। हाँ ठीक है, अब करेक्ट है। अब देखो 2m प्लस 1 लिखा मैंने, i प्लस लिखा, i प्लस मतलब 1 2 3, तो 1 डाला तो क्या मिला, n की वैल्यू 3 मिली, तो क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, m की वैल्यू 2 डाली तो 2 2 2 4 प्लस 1 5, तो x की y की x की पावर 5 एंड सो ऑन। ये मुझे मकसद था मेरा। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ठीक है आप सुनना। अब इसका ग्राफ जो होता है वो देखो कैसा होता है, ये और ये, एक मिनट इसको थोड़ा ज्यादा खींच गया, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं इसको, चलो इसी स्केल के अंदर मैं दोनों बनाता हूँ, x क्यूब और x की पावर 4 5। देखो x की पावर, कोई बोले ये x की पावर 3 का ग्राफ है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई बोले ये x की पावर 5 का है, बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर दोनों को मुझे फिर बोलेगा डिफरेंस क्या है, उसके लिए मुझे दोनों को एक ही प्लॉट पे बनाना पड़ेगा। तो अगेन सेम कंसेप्ट चीज यूज करूंगा, क्या कि दोनों जीरो से पास करेंगे तो जीरो से तो पास करेंगे ही, जीरो से लेके वन के बीच में क्या होगा, जिसकी पावर ज्यादा, जिसकी पावर छोटी है वो ऊपर रहेगा, तो पावर एक्स क्यूब की छोटी है तो एक्स क्यूब ऊपर रहेगा जीरो से वन, तो जीरो से वन ये ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, नेचर अभी भी सेम रहेगा, अब इधर क्या होगा, ये नीचे रहेगा फिर ये ऊपर चला गया। गेटिंग इट, क्या हो रहा है? तो ब्लू वाला क्या हो गया हमारा, जीरो से लेके वन तक तो ब्लू वाला ऊपर है, जिसकी पावर कम है वो जिस एक्स क्यूब, और वन के बाद कौन ऊपर चला जाएगा हमारा, एक्स की पावर फाइव वाला, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव। क्लियर हुआ बच्चों? अब एक्स की पावर मान लो कोई बोले एक्स की पावर 7 ले ले, तो देखो इसी के अंदर 7 बना देते हैं हम, तो क्या करेंगे, 7 0 से 1 के नीचे और नीचे होगा, फिर इसके और ऊपर निकल जाएगा, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। क्लियर हुआ बच्चों? सिमिलरली इधर बना देना तुम, इसके नीचे क्या जाएगा हमारा, ये सबसे नीचे है तो ये भी और नीचे जाएगा, इधर करते हुए फिर ऐसे चला जाएगा, दिस इज रेड वन इज वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। समझ में आ रही है? एक बार और बना लेते हैं, क्या बनाया मैंने, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे बस, ऐसे खत्म। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जैसे ठीक है उससे पहले क्या करो, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, दोनों ग्राफ में कॉमन ले रहा हूँ थोड़ा सा, बस वो इन्फिनिटी और जीरो पे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ग्राफ ऐसा जाएगा या ऐसा, वो स्लोप्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये रब कर देता हूँ मैं, क्या बोला मैंने, एक काम करते, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों एक साथ देख रहा हूँ, देखना ध्यान से,
दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना। अब मैंने बोला कि इसका ग्राफ क्या होगा, ये। ठीक है, अच्छा अब देखो जीरो पे वैल्यू ये है, जीरो पे वैल्यू ये है, जीरो पे इधर ये है। अब मैंने मेरा मकसद क्या रह गया बताना अभी, कि जो इसका नेचर है जीरो पे जो है वो क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल, और इंफिनिटी पे जाके ये एक्चुअली कर्व ऐसा हो रहा है। दो सिनेरियो होते हैं ना, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया था, एक तो ये और एक ये, इसमें ये हो रहा है इन बोथ द केसेस। कैसे, उसको हम समझने के लिए क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने वाई डैश निकाला, तो इधर क्या आएगा 2x, और इधर क्या आएगा वाई डैश मेरा, वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो मैंने इधर वाई डैश 2x लिखा डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव इन्फिनिटी पे क्या होगा, 2 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, वर्टिकल टेंजेंट। तो हमारा नेचर क्या होना चाहिए वाला, ये वर्टिकल टेंजेंट, तो ये इन्फिनिटी पे जाके वर्टिकल होने वाला है। समझ में आया? अब कोई बोला जीरो पे, तो जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, इसका मतलब जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो दिख रहा है ये टेंजेंट इज एक्स एक्सिस, एक्चुअली दिस इज टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली इधर भी क्या करेंगे, अगर वाई डैश मैंने निकाला इन्फिनिटी पे तो कितना आएगा इन्फिनिटी, तो इधर भी क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राफ है वो एक्चुअली इन्फिनिटी पे जाके वर्टिकल होगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी वो वर्टिकल होगा। ठीक है, और जीरो पे क्या होगा, अगेन इट इज जीरो, दिस इज टेंजेंट टू द कर्व। अब कोई बोलेगा सर ये टेंजेंट कैसे हुई, टेंजेंट तो टच करती है, ये तो कट कर रही है, तो वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली जो हम डेफिनेशन पढ़े होते हैं बचपन में 10th तक, क्या कि जो टेंजेंट होता है कर्व को टच करता है, दैट इज रॉन्ग डेफिनेशन। ठीक है ना, करेक्ट डेफिनेशन क्या है वो अभी हम आगे जाके चैप्टर आएगा हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें सीखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू बोथ द कर्व्स, लिख लो इसको अभी। क्या है, इसमें भी एक्स एक्सिस टेंजेंट है और इसमें भी एक्स एक्सिस टेंजेंट है। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है, ओरिजिन, इन बोथ द केसेस। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना। अब इसके बाद में कुछ केसेस और बचे हैं हमारे इस कैटेगरी के, जब मेरे को n की वैल्यू फ्रैक्शंस में भी लेनी है, वाला 1/2 1/4 टाइप, या फिर 1/3 1/5 इवन वाले, फिर डिनोमिनेटर में भी लेना है मुझे, जैसे 1/x 1/x क्यूब 1/x की पावर 4 1/√x, तो उसको भी हम अगले लेक्चर में क्लासीफाई कर लेंगे, सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आती है तुम्हें तो तुम लोग बिल्कुल बिंदास पूछो, ठीक है ना। और मैंने क्या बोलते हैं तुम्हें जो इसकी शीट भी दी है मैट्राइसिस की, उसको कंप्लीट करना, वो रैंक बूस्टर है मेंस और एडवांस दोनों का। योर टारगेट यू शुड कंप्लीट बोथ, दोनों को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अभी फंक्शन में शीट स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज अभी हमें थोड़ा एक लेवल पे आना पड़ेगा, उसके बाद आई विल गिव सम शीट। तो बिफोर दैट तुम्हारा टारगेट क्या होगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की शीट करते जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं करना है, ये भी करना है, ठीक है ना। तुम अभी अपने से करते जाओ, जो जो तुम्हारे पास बुक्स अवेलेबल है, जितना पार्ट हम कवर करते जा रहे हैं, और मैं शीट देना स्टार्ट करूंगा ऑलमोस्ट 4-5-6 लेक्चर बाद से, ठीक है ना। तो जब तक तुम क्या कर सकते हो, अपना मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट अच्छे से कर लो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।